देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जो होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेगी? स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। आपको लगता है कहने को आम बजट पर आम जनता के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए बड़े वादे किए थे पर मिला क्या किसानों? ना न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र आया और ना ही विकास निधि किसान निधि बढ़ी। बात हुई थी कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुल है, ना मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए, कहाँ से बढ़ेगा? कुछ पूंजीपतियों के लिए, सोने चांदी का दाम तो कम कर दोगे आप, लेकिन आम आदमी की जरूरत का कैसे पूरा करोगे? कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये पूरी तरह निराश करने वाला। मैं तो इतना कहूंगा, झुंझुना पकड़ाया है बिहार को, आंध्रा को। अगर मुख्यमंत्री अपने राज्यों के लिए वफादार हैं तो इन्हें चाहिए कि हर हालत में ये समर्थन वापस लें और बाहर आए। से देखते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश की मांग जो पूरी हो चुकी है, स्पेशल पैकेज दिया गया है? देखिए, पहले स्पेशल पैकेज मिले अभी तो ये देख लीजिए, क्योंकि इतना कठिन काम है, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता है, कहा जाता है, लेकिन कैसे वो देंगे ये अभी देखने की बात है। इसलिए सिर्फ घोषणा से काम नहीं होता। ये भी कहा गया सर कि 5000 जो बड़े, सॉरी 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम जो न्याय यात्रा में अप्रेंटिसशिप की बात करते थे राहुल गांधी, वो सरकार ने मानी है? हाँ, तो राहुल जी ने बराबर ये मांग की तो सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और मानना पड़ा। सबसे बड़ी चीज़ जो कर का बोझ मध्यम वर्ग पर लाद दिया, नौकरी पेशा लोगों पर लाद दिया, वो बहुत गंभीर चीज़ है जिसको लेकर लोग बहुत परेशान है। सर इधर इधर, अरे वर्गों का ध्यान रखेंगे सरकार? अब ये आज जब वित्त मंत्री जो है बजट पेश करेंगे तभी पता लगेगा। उम्मीदें तो बहुत है और नहीं मिलेगा तो फिर अपनी बात भी रखेंगे, अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। आप हमेशा से उन वर्गों को संबोधन करते रहे हैं जिनको ना कुछ मिला, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जॉब, जिनको इंसान ही नहीं माना गया उनको क्या दिया जाएगा? अभी भी जो है, अभी मेरे पास रिपोर्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने SC ST का बजट जो है, सम कंप्लेंट प्लान का बजट जो है वो लगा दिया है पशुओं में। तो हम तो देख रहे हैं, पहले कर्नाटक सरकार का देखा, वो कांग्रेस की है, अब बीजेपी सरकार का देखा, और अब देखेंगे बजट में क्या मिलने वाला है। तो इसलिए है कि अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकें और जो उनका हिस्सा उनको दिलवा सकें। धन्यवाद। मोदी सरकार का जो पुरानी हिस्ट्री ये बताती है कि रोजगार 2 करोड़ देके सत्ता में आई थी। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हो गया, 4 करोड़ रोजगार, यानी वो 2 करोड़ के झूठ को डबल कर दिया। डबल इंजन की सरकार होती है, ऐसे डबल झूठ की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। 12 मंजूरी दी गई है, बिहार को अलग से बजट देने की बात, अभी पूरा बजट आएगा जब प्रतिक्रिया देंगे, पर डबल झूठ की ये सरकार, डबल बजट को लेकर डबल झूठ बोलने वाली है मोदी सरकार। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है? घर का किचन का ध्यान रखा गया है? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ओवरवेलमिंग बजट, आई डिडंट हियर एनीथिंग अबाउट द की इश्यूज फेसिंग द कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्री। देयर वाज नो मेंशन ऑफ मनरेगा, देयर वाज नो मेंशन और इनसफिशिएंट मेंशन ऑफ एनी स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द इनकम ऑफ द ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally, it has happened. I am glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise, I find very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy and more opportunities for young people and for those at the bottom of the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming budget.
Sir, how do you see this? I think this budget should be called Pradhan Mantri Sarkar Bachao Yojana, because they have realized that this government, if it has to be saved for the next 5 years, they would need their alliance partners, and these alliance partners need to be kept happy. Two states that have been focused off is Andhra Pradesh and Bihar. After denying Bihar a special status, after denying Andhra Pradesh a special status, they've given funds. What is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the center. Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from, a cash-rich state where you keep taking money from, but do not give in money for its infrastructure needs and its development. So do you see it, the failure of the alliance partner in NDA also to pressurize the government to get something from Maharashtra? Pretty clear, no. It's a shame that the Maharashtra state government and their allies have said not a single word about looking at even Maharashtra's needs and requirements. It's a state which also needs focus and attention and funds from the center for furthering its own vision and trajectory. बात नहीं हुई है, और जो शुरू में कहा गया कि चार जाति हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान, ये लोगों के ऊपर अभी समझ में आएगा दरअसल उनके लिए क्या किया गया है। आपने दवाई के बारे में क्या बोला सर? कैंसर की और कुछ दवाइयां जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर जो रिलीफ दिया गया है वो सराहनीय है, फैक्ट है, अच्छा है, उसकी हम सबों की मांग थी। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। मैंने बिहार को ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे नाक पकड़ा, तो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, अच्छा किया। बिहार को ज़रूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया, लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था, लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया, बहुत सारी बातें हैं जिस पे अब कल से उछल उछल के बातें होंगी। कोई 2005 से लॉलीपॉप की बात करता है, अभी अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है, अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कैठो नौकरी दी, और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं, आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी, जो सरकार मांगेगी कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए, ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए, मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है, तो आप तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जितेंद्र मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है, तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे, अब कब? अब गुजरात को और दीजिएगा, किसको दीजिएगा, कहाँ दीजिएगा? आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए तो बहुत क्लियर है, विशेष पैकेज, विशेष राज के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 26,000 करोड़ अभी एक्सप्रेस वे के लिए, भैया एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेस वे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं, तो भैया आप विशेष राज की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, और एक भी कुछ नहीं, तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। नीतीश बाबू गंभीर आदमी है, आप खत्म करिए।